हेलो जूनियर्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा है आप सब घर पे सेफ होंगे। तो आज हमारा विषय है हिंदी, और हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? स्वर। तो हम आज भी स्वर ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो हमारी हिंदी की बुक का नाम क्या है पता है ना आप सबको? हाँ, मेरी हिंदी प्रथम पुस्तिका। तो आपको यही बुक निकालनी है, ठीक है ना? तो मेरी हिंदी में आपको ओपन करना है पेज नंबर 43। ओके, सो पेज नंबर 43 आपको ओपन करके देखना है कौन सा स्वर है बच्चों। यस, हमारा स्वर है अह। अह, पहले मैम आपको दिखाएंगे। जैसे हम अ लिखते हैं वैसे ही हमें अ लिखना है और पीछे लाइन में दो बिंदु करने हैं, तो यह क्या हो जाएगा? अ। क्या कहेंगे हम इसे? अ। और अ से क्या होता है बच्चों? खाली। अ से क्या होता है बच्चों? खाली। क्यों खाली होता है? क्योंकि अ से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। अह से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, इसीलिए अह खाली है। ओके, खाली स्वर है। अभी मैम आपको दिखाएंगे हम अह कैसे लिखेंगे हमारी बुक में, इसीलिए आपको पेज नंबर 44 ओपन करना है, ठीक है? तो हम इसमें अह लिखेंगे, ठीक है? चलो, अगर आप चाहें तो ये बुक निकाल के साथ में लिख सकते हैं, ठीक है? चलो, अह हम कहेंगे सिर्फ अह। अह क्या कहेंगे हम? अह। क्या कहेंगे हम बच्चों? अह। क्या कैसे लिखेंगे हम? टू पहले अ लिखेंगे, फिर बाद में दो बिंदु करेंगे। वैसे ही मैम अभी यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं। ओके, सी यू हैव टू राइट लाइक दिस। अहा, ठीक है, फिर से अहा, फिर से अहा, फिर से अहा, फिर से अहा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो ऐसे ही आपको हमारी जो मेरी हिंदी बुक में लिखना है, ठीक है? अच्छे से हैंडराइटिंग भी कैसे होने चाहिए? एकदम क्लीन और नीट एंड क्लीन। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो आज हमने कौन सा स्वर सीखा? अह। आप सबको भी रिपीट करना है, कौन सा स्वर सीखा हमने? अह। अह से खाली। क्या कहेंगे हम इसे? खाली स्वर। क्यों खाली स्वर होता है बच्चों? क्योंकि अह से कोई शब्द शुरू नहीं होता है, इसीलिए अह अह खाली स्वर। ओके, तो ऐसे ही आपको यह लर्न करना है और हमारी हिंदी की बुक में लिखना भी है, ठीक है? तो आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग से लिखना है। डू प्रैक्टिस एट योर होम। थैंक यू। बाय बाय।